ये गेरू है, ये रंगोली है, 15-20 कलर है हमारा। 20 कलर है आपके पास। ये पीली मिट्टी है, सीखी हुई है, मुल्तानी मिट्टी है, सीखी हुई है। सुबह 10-11 बजे तक दुकान खोलती हूँ और शाम को 9-10, 9-9:30 बजे तक बंद हो जाती है। हाँ, आपने जो वैरायटी देखी, अगर परचेस करना चाहते हैं तो आ जाइए इंदौर रानीपुरा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक नेरगा फैशन। आज हम आपको लेकर आए इंदौर के रानीपुरा में और यहाँ आपको आने के लिए सिंपल खातीपुरा चौराहा, जिसे रानीपुरा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो आपको सिंपल चौराहा पर उतरना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। वहाँ से आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो आपको आंटी जी की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पर आपको रंगोली के कलर मिल जाएंगे, उसके साथ में गेरू मिल जाएगा, चूना मिल जाएगा, आपको कई सारी वेरायटी मिल जाएगी जो आप आपके गाँव, शहर, गली मोहल्ले में आसानी से सेल कर पाएंगे। अगर आपकी एक छोटी किराना स्टोर है या जनरल स्टोर है तो भी कर पाएंगे और इस सामान को रखकर आप अच्छी खासी इनकम के द्वारा अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें तो बस इसी का व्यापार करना है और सीजन के अकॉर्डिंग करना है तो भी कर पाएंगे, बस देर है आपके विजिट करने की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी दीदी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मदन लाल सूर्यवंशी है। आपने क्या बेचते हैं आज? खड़िया है, गेरू है, रामरस है, मुल्तानी मट्टी है, पेम है, काली मिट्टी है। हाँ, सभी आ रहे हैं। कितने साल से बेच रहे हैं आप लोग? मेरे को करीब 50 साल तो सिर्फ मेरे को ही हुए हैं। 50 साल? हाँ, उसके पहले कई पीढ़ियाँ बीत गई। मेरी दादी सास, सास, उनकी सास के सास, उनकी सास के सास, ऐसे करके 7 क्या 10 पीढ़ियों से पीढ़ियों बीत गई है। कलर बेचते थे यही रस। यहाँ बाजू कोई लाइट वाइट भी नहीं थी, नाले बेचते थे, किसी की भी पक्की दुकान के मकान किसी का भी नहीं था। ये सब मेरे सामने हुआ है। अच्छा। हाँ, सब मेरे सामने हुआ, मैंने आंखों से देखा है। यहाँ में ऐसे नाले बहते थे और इधर बाजू, और मैं बैठी रहती थी अंधेरे में। हम रात के 2-2 बजे हमारा धंधा होता था। अच्छा। हाँ, 2-2 बजे, 3-3 बज जाती थी। रंगोली वगैरह, रामरस वगैरह, ये इतना पहले तो चूने की ऐसी गड्डियाँ लगाते थे, रामरस की, चूने की, ये सब है ना गड्डियाँ लगती थी, पूरी ठप्पी की ठप्पी। जी जी जी। हाँ, आज जो आइटम हमारे सेवा व्यापारी कोई भी नहीं था यहाँ, एक भी कोई दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये अभी सब मार्केट बना मेरे आंखों के सामने, और ये पक्की पक्के घर और पक्की दुकानें, ये अभी नीचे निकली है, सटर वटर है। ये इधर आगे बाजू कुछ भी नहीं था, ना पीछे कुछ था। अच्छा। हाँ। अच्छा। जब से मैं शादी होके आई हूँ और बैठी हूँ, मेरे बच्चे को मैंने यहाँ दूध पिलाया है और 2 बच्चे का बाप हो गया, वो भी 40 साल का हो रहा है, 30-35 साल का। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी अपन जो आइटम बेच रहे हैं, हाँ, वो क्या क्या रेंज का है? थोड़ा सा वो रेंज की बताइए, जानकारी। ये तो देखो, अब अगले साल कम था, हाँ, लेकिन अभी ज्यादा बढ़ के हो गया। क्या बढ़? पहले हमको मतलब 150 रुपए में बोरी मिल जाती थी, अब 125-200 रुपए में मिलती थी, उस हिसाब से हमको बेचना पड़ता है। हाँ, महंगा हो गया। अगर गेरू की बात करें, ये क्या चीज है? ये क्या भाव मिलता है दीदी? ये हमको है ना 10-12 रुपए मिलता है। 10 रुपए किलो होलसेल में लेते थे ना? हाँ, होलसेल में 20 रुपए, रिटेल में 20 रुपए किलो। ठीक है। ये क्या चीज है? ये भी रंगोली है। ये भी रंगोली? ये सब रंगोली के कलर हैं, ये पूरे कलर होंगे आपके पूरे रंगोली के? 15-20 कलर है हमारे। 20 कलर है आपके पास? ठीक है। और ये क्या है दीदी? वो चूना है। चूना क्या भाव पड़ता है ये? चूना हमको पड़ता है 10-12 रुपए किलो, 15 रुपए 20 रुपए तक दे देते हैं। 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो देता है। हाँ। ये क्या भाव है? ये गेरू है। गेरू क्या भाव है? गेरू वैसे 10-12 रुपए, 10 रुपए घर में पड़ता है, 12-15-20 रुपए तक बेच देते हैं। 12 रुपए किलो तो बेचते हैं ना। ये क्या चीज़ है? ये मुल्तानी मिट्टी है। ये कितने क्या भाव पड़ती है? ये हमको घर में पड़ती है 10 रुपए। आपको पड़ती है? नहीं, बेचते कितना? बेचते में 15 रुपए, 20 रुपए। 15 रुपए होलसेल? होलसेल, हाँ, मिलते। ये क्या चीज़ है? ये पीली मिट्टी है, सीखी हुई है, मुल्तानी मिट्टी है, सीखी हुई है। क्या होलसेल में बेचते हैं आप लोग? ये होलसेल में हम 30-35-40 रुपए तक बेच देते हैं, जैसा ग्राहक आता है। ये सारा भी कलर है? ये सभी कलर हैं। कितने कलर होंगे आपके पास? 15-20 कलर हैं करीब। 15-20 कलर। दुकान कितनी बजे से कितनी बजे तक खुलती है? सुबह 10-11 बजे तक दुकान खोलती हूँ। हाँ। हाँ, और शाम को 9-10, 9-9:30 बजे तक बंद हो जाती है। हाँ। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी शॉप पर जरूर विजिट करना चाहेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिए, शॉप पर विजिट कीजिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।